गौरी, कोई पूर्वाभास आया क्या कि वो शिवलिंग कहाँ है? नहीं, वो मेरा मतलब है कि 9 में से 5 शिवलिंग तो पापा और लखनपाल लेकर चले गए, तो बाकी के शिवलिंग भी ढूंढना जरूरी है ना। तो बस जानना चाहती थी कि भगवान ने कोई संकेत दिया क्या? नम्रता, इसके भगवान कोई संकेत वंकेत नहीं देने वाले, हम इंसानों को ही वो शिवलिंग ढूंढने होंगे। यशपाल जी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी अपनी करनी चाहिए। चलिए। राहुल, वो लॉरी। गौरी, नम्रता, गाड़ी में बैठो जल्दी। राहुल, जल्दी करो। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? स्टार्ट नहीं हो रही है मतलब? क्या हुआ? वो गाड़ी ज्यादा चलने की वजह से इंजन गर्म हो गया, इसीलिए गाड़ी बंद हो गई। इसे चालू करने के लिए मुझे पानी की जरूरत है। गाड़ी में तो पानी है नहीं, मैं आसपास से ढूंढ कर लाता हूँ। राहुल, हम भी चलते हैं साथ। हाँ हाँ, चलो। धुआं, हो सकता है वहां कोई हो। चलो Thank you.
भगवान ने खुद संकेत दिया है, भगवान ने खुद हमें शिवलिंग तक पहुंचाया है। अरे मतलब साइलेंट पर करो। मैंने सरिंग पर ही किया था, पता नहीं कैसे फोन रिंग हो रहा है। राहुल ये मुझे लगता है कोई जरूरी फोन ही उठाना पड़ेगा। मैं उठा कर आती हूँ, आती हूँ। ये कहाँ चली गई? में तुमने और उस लॉरी वाले ने मिलकर मेरे काम में विघ्न डाला था, अब मैं तुम दोनों का कौन तमाम कर दूंगी। ये मास्टर जी वाले नंबर पे कौन फोन कर रहा है? किसी का नंबर भी दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। हेलो। पांच शिवलिंग तुम्हारे कब्जे में आ गए और अपने बाप का भी सही बंदोबस्त किया है। बधाई हो नम्रता। ओहो सेठ जी, मतलब अब तक मेरा पीछा करे आप, है ना? तुम्हारी मोहलत कल खत्म हो रही है, भूल तो नहीं गई? ये मोहलत, ये धमकी, इनका मुझ पर कोई असर नहीं है और ना ही मुझे किसी की धमकी से डर लगता है। आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं ना सेठ जी, तो अब तक ये भी जान गए होंगे कि अगर मैं चाहूं ना तो आप जहां भी हैं आपको ढूंढ कर एक पल में आपका पत्ता साफ कर सकती हूं। मैं तुम्हारे सिद्धपुर का कोई गांव वाला या तुम्हारा बाप नहीं हूं जिसे तुम आसानी से मार सको। जो अब तक पांच शिवलिंग से आगे नहीं पहुंच पाई वो क्या मेरी असली पहचान तक पहुंचेगी? नहीं सेठ जी, यही तो आपने गलती कर दी। पांच नहीं, छह शिवलिंग है मेरे पास, क्योंकि वो छठा शिवलिंग तो मेरे सामने ही है। हाँ तुम्हारे सामने है पर तुम्हारे पास नहीं है। मेरा आदमी वहां कुछ ही पल में आकर उसे अपने साथ लेकर जाएगा। तुम बाकी के शिवलिंग ढूंढो, मैं कल फिर याद करूंगा। हेलो सेठ, फोन मत रख। हेलो तुम क्या कर रही हो गरुड़ी? ये मासूम बच्चे हैं, तुम इन्हें नहीं मार सकती। रुक रुक जाओ। रुको। Come on.
ये क्या कर रहे हो तुम? राहुल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिछली बार भी तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाला था, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। हमारी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम लोगों को? लौट नहीं सुनो। नहीं, नहीं, नहीं। ये सेठ जी का आदमी है, अगर अभी इसके सामने आ जाती तो ये बाकी के पांच शिवलिंग भी मुझसे छीन लेता। कोई बुरा सपना देखा? ये तांत्रिक औरत तो
तो मर गई। और इसका पति भी गायब, वो शिवलिंग में नहीं मिल रहा, और पता नहीं नम्रता कहाँ चली गई। मार डालूंगी लगनपाल। नम्रता जी, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। गौरी क्या हुआ था यहाँ पर, तुझे याद है? पता नहीं, वो इस औरत ने राहुल और मुझ पर कुछ फूका और फिर कोई मंत्र बोलने लगी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सर इन पर ये राख फूका गया है, ये कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियां हैं जो अग्नि में इस्तेमाल करके बनाई जाती है। सर ये लोग इसी से बेहोश हुए। अगर इस औरत ने ये राख इन पर फूकी, ये खुद कैसे मर गई? सर ये भी इसी राख से मरी है, इसके मुंह चेहरे और नाक पे भी यही राख पाया गया है। ठीक है अब जाइए। ये अपने मुंह पर राख क्यों डालेगी? इसने खुद नहीं डाला है, उस लॉरी वाले ने इस औरत पर राख डालकर इसे मार दिया। वही लॉरी वाला, उसने मुझे भी धमकी दी थी। है कौन वो? सर वो कौन है ये तो हम नहीं जानते, पर हाँ वो किसी सेठ जी के लिए काम करता है। पहले उसने इस औरत पर हमला किया, फिर वो मेरे पीछे पड़ गया। बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ मैं। पहले से हम एक मास्टर जी को ढूंढ रहे थे, अब ये सेठ जी कौन आ गया? एक मिनट, जब वो हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था तो मैंने उसकी लॉरी का नंबर नोट किया था। सर ये मुझे यकीन है ये नंबर असली नहीं है। ऐसे लोग कहाँ ऐसे कामों के लिए असली नंबर और रजिस्ट्रेशन यूज करते हैं। पर जो भी हो हम उसे ढूंढ लेंगे और उसके सेठ जी को भी। छानबीन हो गई पूरी? जी सर। चलो यशपाल जी। क्या हुआ गौरी, क्या सोच रही हो? तुमने फिर से कोई सपना देखा क्या? बताओ ना गौरी, अगर शिवलिंग का ठिकाना देखा है तो वो बताओ। एक मिनट, कहीं तुमने फिर से मुझे अपने सपने में तो नहीं देख लिया? गौरी अब बोलोगी भी ऐसी चुप रहोगी? हाँ नम्रता जी, मैंने देखा कि आप उस लखनपाल के पीछे भाग रही थी। आपके हाथ में एक बड़ा सा छुरा भी था, आपने उसको रुकने के लिए कहा, वो नहीं रुका तो आपने उस लखनपाल पर वो छुरा फेंक दिया। ज्यादा ही देख लिया है इसने।